हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। आज हम चैप्टर नंबर 12 में ही सब पार्ट में हम केनियंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 में हम सब पार्ट्स टू सब पार्ट्स में हम ऑलरेडी जो है आपके स्वांगलाज, पंगवालाज, गद्दीज और खांपास के बारे में हमारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप इसके लिए जो है चैप्टर नंबर 12 ही देखें और उसमें मेन हेडलाइन में आपको दिख जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो सके। एंड आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एंड यदि आपको बिल्कुल एंड आपको मैं बता दूं कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज एचपीजी की न्यू सीरीज 2022, इसलिए आप इसे चैप्टर नंबर फर्स्ट से देखें एंड स्पेशली फॉर द न्यू बिगिनर्स। चलिए तो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट ट्राइबल पीपल की अगर बात करें तो वो है किनर्स, जो जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है। और ये किनर्स का संबंध डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से है हिमाचल प्रदेश के, जो 1 मई 1960 में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ था। और ये जो है एक आपके जो है छठे जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ, क्योंकि ओरिजिनली 15 पहले 1948 को चार जिले थे, ठीक है। महासू, चंबा, आपका मंडी हो गया, ठीक है, महासू, चंबा, मंडी एंड योर सिरमौर, ठीक है। तो 1 जुलाई 1954 में फिर बिलासपुर 5वें जिले के रूप में शामिल हुआ था, उससे पहले वो पारसी स्टेट था। फिर उसके बाद फिर 1 मई 1960 में जो है ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। तो डिटेल के लिए आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाइए, क्योंकि वहां पर हमने देखा है किस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है बर्थ से लेकर जो है स्टेट्यूड तक किस तरह से जर्नी रही है, तो हम ऑलरेडी वहां पे कवर कर चुके हैं। चलिए किन्नर्स पे आते हैं। तो किन्नर्स को संस्कृत साहित्य में इन्हें जो है जो अमरकोशा है, ठीक है, संस्कृत साहित्य जो अमरकोशा है उसमें जो है एक अलग तरह की डेमी गॉड्स रेस कहा गया है, ठीक है, हु इज हैविंग सम हाफ बर्ड और सम हॉर्सेज एट, इस तरह से इनका वर्णन वहां पे किया गया है साहित्य में, वैदिक साहित्य में। एंड भागवत पुराण की अगर बात करें तो भागवत पुराण में किन्नर्स का जो ऑरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो ये मानी गई है कि जो ब्रह्मा भगवान के जो अंगूठे से टो से इनका जो है जन्म हुआ माना जाता है, पैदा हुआ माना जाता है। और मत्स्य पुराण में जो इनका विवरण किया गया है, तो मत्स्य पुराण में इन्हीं किन्नर्स को जो है आपके किरात और यक्षसा के साथ इनका संबंध रखा गया है, एक ही उसमें रखा गया है इन्हें। सो और इन्हीं को जो है किमपुरुषा के नाम से भी पुकारा गया है, ऑल्सो कॉल्ड किमपुरुषा। एंड किन्नर्स का अगर बेसिकली देखें तो दे आर शेड्यूल ट्राइब, बट अगर इनमें से कुछ कास्ट देखे चमांग जो लोहार होते हैं जनरली, डोमांग, कोली, ठीक है, बाड़ी एंड नगालू, तो ये जनरली दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। एंड किन्नर्स की अगर हम बात करें तो किन्नर्स को खश और खशिया भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हम भाषा पे आते हैं। तो किन्नर्स की जो भाषा है, लैंग्वेज देखें तो किन्नौरी भाषा कहते हैं। और ये जो भाषा है ये अंडर हिमालयन ग्रुप ऑफ जो तिब्बत बर्मा जो फैमिली है, भाषा ग्रुप है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आती है। और जो ऊपरी जो अपर किन्नौर एरियाज हैं, तो वहां पे ऊपरी क्षेत्रों में जो है आपकी भोटी लैंग्वेज भी बोली जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किन्नौर को तिब्बत के लोग जो है तिब्बत में क्या आपको किस नाम से पुकारा जाता है, खुन्नू के नाम से पुकारा जाता है। और खुन्नू अगर आपको याद हो तो किन्नौर में ही जो खांपास है उन्हें खुन्नू खांपास के नाम से जाना जाता है। और स्पीति के पीती खांपास एंड किन्नौर के जो खुन्नू खांपास होते हैं यही जो है आपके गोइत्र लदारचा जो मेला होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसे इन्हें जो है कुरपा भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड किन्नौर कुरपा भी कहते हैं इसे तिब्बत के द्वारा। और लेह में अगर बात करें तो लेह में किन्नौर को माओ के नाम से पुकारते हैं, और माओ के नाम से ही आपके बुशहर जो राज्य है उसका उसे भी जो है माओ के नाम से पुकारते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेह में किन्नौरों को भी जो है किन्नौर जो रीजन है उसे माओ कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे जो है किस अन्य रियासत को भी माओ के नाम से पुकारते थे, तो लेह में, तो ये आपका आंसर होगा बुशहर रियासत। तो बुशहर रियासत की अगर हम बात करें तो प्रद्युमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रद्युमन को प्रथम यहां पे राजा माना जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के इतिहास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफली बता देता हूं कि ये माना जाता है कि प्रद्युमन यहां आके बसे थे। और क्योंकि शोणितपुर बुशहरों की राजधानी पहले कामरू की थी, ठीक है, कामरू के बाद वो शोणितपुर आई, ठीक है, शोणितपुर जो वर्तमान सरहान का जो है पुराना नाम शोणितपुर था, तो ये भी आपको याद रखना। और शोणितपुर सरहान में ही आपका एकमात्र जो ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न ट्राइगोपेन का जो है ब्रीडिंग सेंटर भी है, वो भी आपको याद रखना है। एंड और ये भी माना जाता है कि पुराने समय में जो किन्नौर रीजन है ये पूरा 7 खंडों में बटा हुआ था, जिसमें से कामरू खंड सबसे शक्तिशाली था। और यहां पर ही जो आपका बाणासुर नाम से यहां पर जो है राजा का राज्य था। एंड उनकी पुत्री थी उषा, तो उषा से ही शादी के विवाह करने के कारण जो है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था प्रद्युमन से शादी करने के लिए,
तो फिर श्री कृष्ण ने जो है बाणासुर को आक्रमण करके उन्हें जो है हराया था। उसके बाद जो है उषा की शादी हुई थी प्रद्युम्न से, तो प्रद्युम्न को ही यहाँ पे पहला राजा कंसीडर किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि देव जैसे कि देवपूर्ण, अन्नापूर्ण और तपापूर्ण तीन जो देवी देवता पैदा हुए थे, उसके बाद उसमें से जो देवपूर्ण थे वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर आए, और किन्नौर में जो है फिर किन्नौर में आने के बाद उन्हें जो है प्रद्युम्न को यहाँ पे लाया और यहाँ का राजा बनाया। उस तरह से बहुत सी कहानियां प्रचलित है, और भी कहानियां हैं। तो जैसे जो बाणासुर को ही माना जाता है कि क्योंकि बाणासुर इस बुशहर रियासत जो शोणितपुर में रियासत था कामरू राज्य उस समय, तो उस समय वो उस राज्य के वजीर थे। तो बाकी लोग उनसे जो है इशारे करते थे, तो इस उसमें जो है वो मानसरोवर चले गए, ठीक है। तो मानसरोवर से जब वो वापस आए तो वहां से उन्होंने सतलुज नदी, जिनका वैदिक नाम शतुद्री है, संस्कृत नाम शतुद्रु है, तो उन्हें अपने साथ वो लाए। तो इस तरह से बहुत सी कहानी है। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के इतिहास में हम डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे इसे। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायु पुराण में भी किन्नर्स का जिक्र है। तो वायु पुराण में उन्हें जो है महांत पर्वत का निवासी उन्हें माना गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि किस पुराण में जो है इन्हें महांत माउंटेन इनहेबिटेंट्स कहा गया किन्नर्स को, दैट इज वायु पुराण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। अगर बात करें किन्नर्स के बारे में, ट्राइबल पीपल, तो कास्ट सिस्टम में राजपूत क्लास मेन डोमिनेंट है। कनेत, खसिया, खसा ये आते हैं, एंड नेक्स्ट उनके बाद कोली, वीवर्स, आर्टिजन्स, ठीक है, लेदर वर्कर जो होते हैं, और उसके बाद लोहार, बोधी, बाड़ी, नगालू, ये सब आते हैं। तो जनरली हम देखें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज है, खसिया एंड बेरू, ठीक है। और ये बेरू आगे फर्दर सब डिवाइडेड है, आपके दोमांग जो है जिसमें जनरली लोहार एंड बाड़ी आते हैं, और उसके और चमांग जिसमें नगालू आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली डोमांग, चुमांग, इन सभी का जो संबंध है वो कहां से है, डोमांग में लोहार एंड बाड़ी एंड चुमांग में नगालू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये बुद्धिस्ट भी हैं, तो जार्ज भी कहा जाता है। तो जार्ज में ऑलरेडी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जार्ज में जो आते हैं लामास, खांपास, बोट्स, ये सभी जार्ज कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। जार्ज पांगी में भी रहते हैं, ठीक है, बोट्स और बोध्स। तो राजपूतों के आगे जो है थ्री स्टेटस ग्रुप में बंटे हैं, ओरांग, मोरांग एंड वाजा। ओरांग, मोरांग, वाजा। तो माकपा एक जो सन इन लॉ होता है, ठीक है, उसे जवाई को माकपा कहते हैं किन्नौर में। मेल एंड फीमेल के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है उसे जोखिया कहा जाता है, और फीमेल और फीमेल की जो फ्रेंडशिप होती है उसे कोनेज कहा जाता है, ठीक है। और धर्म भाई कुखिया कहते हैं उसे, गॉड ब्रदर को, और धर्म बहन को जो है रिंक चजे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैरिज कस्टम्स की, अगर बात करें किन्नौर पीपल के, ठीक है, किन्नर ट्राइब के, तो चार तरह की ये शादियां जनरली करते हैं। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार हर कम्पिटेटिव एग्जाम में किन्नर्स की मैरिज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लव मैरिज फॉर्म्स दमचल शिश या बिनांग हचिस और दमटंग शिश जुशिश। तो ये सारे के सारे कौन सी फॉर्म है, लव मैरिज फॉर्म है किन्नर्स की, ठीक है। दमचल शिश, बिनांग हचिस, दमटंग शिश और जुशिश। तो इनमें से कोई भी अगर प्रकार आए, कोई भी फॉर्म आए, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ज्योतिष किस तरह का है, कि विवाह से संबंधित है, विवाह का प्रकार है, या कोई बर्थ कस्टम है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, एंड काफी बार मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कैप्चर की अगर बात करें तो जो एक किडनैप करके जो शादी की होती है उसे दरोश या फिर दुबदुब या फिर न्यामशा तेपांग या फिर आशीष कहते हैं, आशीष भी उसे कहते हैं और हुचिस भी उसे कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जबरदस्ती जबरन किसी से जो है विवाह करते हो, लड़की को उठा के ले जाते हो, तो उसे कहते हैं दरोश, दुबदुब, न्यामशा तेपांग, आशीष और हुचिस। हार की अगर बात करें तो अगर किसी की दूसरे की वाइफ को आप जो है आपने अभी उसका विवाह कर उसे शादी कर ले, तो उसे हार शादी माना जाता है। और यदि हम देखें तो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जो एक तरह की लीगल मैरिज होती है, कॉमन मैरिज होती है, तो वो है जनेकंग और जनेटंग, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट से होने वाली शादी है। नेक्स्ट देखते हैं मजमी क्या होता है। शादी में जनरली जो है मजमी किया जाता है, वो दुल्हन के घर जाता है और वहां पर जो है जो लोग स्थानीय शराब होती है उस पर जो है मक्खन लगाकर, उसकी जो बोतल का ढक्कन होता है, ठीक है, उसके ऊपर मक्खन लगाकर जो है सामने रख दिया जाता है, पेश किया जाता है। तो जैसे कि अगर वो सूरज की बोतल अगर वो पी लेते हैं मक्खन जो है, ठीक है, उसके साथ, और उसको पी लिया जाता है, तो समझा जाता है कि जो है शादी का जो है भाई लड़की वाले एग्री कर रहे हैं। अगर वो ऐसे बिना पिए ही वापस कर दी जाती तो समझिए कि लड़की जो है लड़की वालों की ओर से क्या है ना है।
और मैं आपको गाइस बता दूं यहाँ पे कि क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे न्योटांग मीरांग, इस तरह से जो पुअर फैमिली मैरिज होती है तो वो से न्योटांग मीरांग इस तरह की मैरिज परफॉर्म करते हैं। तो जितना आप ट्राइबल इन ट्राइब्स के बारे में बार बार पढ़ोगे और जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें आपको लिख के याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको याद होगा, क्योंकि बहुत से टिपिकल वर्ड्स एक दूसरी लैंग्वेज के हैं, उनकी लोकल भाषा में ये सारे शब्द हैं। तो जितना आप इनको बार बार याद करोगे और लिखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आप याद रख सकते हैं। और बताएं आपको कि दोलांग चिम फ्रूट्स को कहा जाता है जो रिकार्ड्स के तौर पर जो है पेश किए जाते हैं। अगर हम डाइवोर्स की बात करें, शादी के बाद क्योंकि डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स को किन्नौर में जो है शिंग टैक टैक कहा जाता है किन्नौर के द्वारा, जिसमें जो है लकड़ी को जो है तोड़ा जाता है पति पत्नी के ऊपर, ठीक है। इसे जो है ब्रेकिंग ऑफ ट्विग और शिंग टिक अश्मिक भी कहते हैं इसे, और इसे जो है ठग छोचा भी कहते हैं, ठीक है, डाइवोर्स को ठग छोचा भी कहते हैं। तो ऑल दीज शिंग टैक टैक, शिंग टिक, अश्मिक, ठग छोचा, ये ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स दैट इज परफॉर्म्ड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बाय द किन्नर्स। सेनिम कुन्नू की अगर बात करें तो गिफ्ट्स एक्सचेंज को क्या टर्म देते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, सेनिम कुन्नू कहते हैं गिफ्ट्स एक्सचेंज को। लोकल डांस है यहाँ के जैसे मंचांग और फ्रोलशिमू, तो ये भी आपको याद रखना है। कल दिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंचांग और फ्रोलशिमू डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के किन्नर्स के जो है ये क्या है, भाई स्थानीय डांस है, स्थानीय कोई या फोक सॉन्ग है, फोक ड्रामा है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद होगा कि ये क्या है, लोकल डांस। तो लोकल लिखा की अगर बात करें तो घांती कहते हैं, रक भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, स्थानीय शराब है यहाँ की, जैसे लाहौल में आपके हमने छोंग पढ़ा था, ठीक है, पांगी पंगवालास की हमने सुर और झोल पढ़ा था इस तरह से। और अगर जो है भाइयों की अगर कॉमन वाइफ होती है तो उसके लिए जो सेरेमनी प्रथा जो एक सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस की जाती है वो उसे कहते हैं यू पेज सेरेमनी। तो ये जनरली की जाती है कि जब एक या बहुत सारे भाइयों की जो है एक ही पत्नी होती है तो उस तरह से जो है उस पत्नी को जो है सभी भाइयों को अपना पति स्वीकार करना पड़ता है। प्रॉपर्टी डिवीजन की अगर हम बात करें तो जिठांग और कंचौंग करते हैं, तो जिठांग मीन्स बड़े बेटे को जो हिस्सा मिलता है और कंचौंग मीन्स जो छोटे बेटों को हिस्सा मिलता है। और अगर कोई मृत्यु जो अभी मरने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी लास्ट विश जो उसकी इच्छा होती है उसे कहते हैं टोंग लोंग। हिब्बा सेरेमनी जो ये परफॉर्म कब किया जाता है कि जब कोई आदमी जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब उसके बेटे नहीं होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को किस में डिवाइड कर दी जाता है, इक्वली उसकी बेटियों में डिवाइड कर दी जाता है, उसे कहते हैं हिब्बा। बर्थ कस्टम्स की अगर बात करें, जन्म से संबंधित जो रीति रिवाज है, तो लामा को जो है लामा सभी जितने भी कार्य होते हैं वो सभी ये परफॉर्म करते हैं, पूजा की विधि वगैरह, बर्थ से रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस होती है। तो खेपा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, खेपा एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है, जो किन्नौर में दी जाती है जब कोई वायलेशन करता है डीटीज के ऑर्डर्स का, ठीक है, या कोई जो कम्युनिटी काउंसिल उसका कहना नहीं मानता है, ठीक है। तो डेथ कस्टम्स की अगर बात हो, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। डेथ कस्टम्स की अगर बात करें तो पहले होता था कि जो है ये क्या करते थे, या तो ये डुबो नदी में पानी में डुबो देते थे, ठीक है, मतलब या ड्रोन जिसको ड्रोनिंग कहते हैं, फुकंत मतलब वो बर्न करते थे, जला देते थे, या फिर भकंत या फिर ओपन उसमें एरिया में जो है खेत में कहीं रखकर फिर वल्चर एंड बर्ड्स उसे खा लेते। तो ये सभी प्रथा जो है प्रचलित थी, बट एट प्रेजेंट नहीं है, अब सभी जो है क्रिमेशन प्रॉपर होता है। तो दुबंत, फुकंत और भकंत ये सारी जो है डेथ कस्टम से रिलेटेड है और ये क्रिमेशन के तरीके थे। फोआ की अगर हम बात करें तो जनरली फोआ एक रस्म होती है जिसमें क्या होता है, डेड बॉडी के ईयर में जो है विस्परिंग की जाती है, ठीक है, ताकि उसका जो वो जो है स्वर्ग में चला जाए सीधा। और ये जो है लामास के द्वारा हैंगरिंग वैली में की जाती है। अगेन हैंगरिंग वैली का जिक्र हो रहा है, हैंगरिंग वैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑन द बैंक ऑफ स्पीति रिवर जो कुंजम रेंज से निकलती है। और आपकी सुमदो, कब्जो, तिब्बत ज्ञान, स्पिन रिवर, तो सारी ये स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी, और स्पीति खुद सतलुज नदी में जो है नाम गया खाब में मिलती है। और हैंगरिंग वैली राजा केरी सिंह बुशहर के उन्हें जो है उपहार के तौर पर मिली थी तिब्बत के राजा गरजे दोजके से। और तिब्बत और बुशहर के बीच में जो बाउंड्री बनाता था वो माउंट कैलाश का बाउंड्री रखा गया था जब इनके बीच में संधि हो गई थी, ठीक है, मैं ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजा केरी सिंह के द्वारा ही 1683 में लवी मेला लगाया गया था, और 1681 से लेकर 83 तक जो लद्दाखी मुगलों और तिब्बत का युद्ध चला था उसमें राजा केरी सिंह ने तिब्बती राजा गरजे दोजके की मदद की थी। तो क्या होता है कि फोआ रस्म में जो हैंगरिंग वैली में की जाती है, तो डेड बॉडी से जो है बाल निकाल दिया जाता है, और अगर उससे खून निकल जाए, बाल निकालने के बाद खून आता है तो उसे जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है। व्हाइट बैनर जो होते हैं उनसे उसे ओम काफर कहा जाता है किन्नौर में। एंड जो खामा लामाज होते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर लामा माना जाता है जो भविष्यवाणी करते हैं। और नेक्स्ट हम देखें तो
कुछ और सेरेमनीज भी है जो परफॉर्म होती है, जैसे आपकी चंतियामा, थनिंग, छोपता, तो ये सभी जो है मृत्यु से संबंधित आपकी सेरेमनीज है। आई थिंक जैसे थनिंग है, तो थनिंग में क्या होता है, जनरली जैसे दालें वगैरह वो जो छत पर डाल देते हैं ताकि वो जो मृत आत्मा है उसके लिए जो है वो ले जाए, ठीक है, बर्ड्स के बर्ड्स उसे जो है ले जाए। फिर और स्थानीय शराब को भी ऑफर किया जाता है ग्रामीण वाली जो गांव वालों को। एंड और क्या होता है कि स्टोन, कुछ पत्थर से बनी हुई कुछ कलाकृतियां भी बनाई जाती है, ठीक है, जिन्हें ऊंची पहाड़ियों पर उन्हें कटांगल कहा जाता है, ठीक है। ये सभी जो है मृतकों की, अपने पूर्वजों की याद में वो क्रिएट करते हैं। अगर चलिए ड्रेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेशभूषा से जो है, अब वेशभूषा आभूषणों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रेस की अगर हम बात करें तो थेपांग, हिमाचली कैप को थेपांग कहते हैं, और इस थेपांग के ऊपर जो लगने वाले फूल होते हैं उन्हें टीके में कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन के द्वारा जो है चमरू कुर्ती पहनी जाती है, छूबा भी पहनती है वो, छूबा एक तरह का लॉन्ग वूलन क्लोक होता है, ठीक है, गाउन टाइप होता है जो सर्दियों में पहना जाता है यहाँ पर। और अगर महिलाओं की अगर हम वेशभूषा की बात करें तो जनरली ये धोड़ी, ठीक है, जो एक साड़ी टाइप होती है, और अगर हम देखें चोली जो एक फुल स्लीव ब्लाउज होता है, और चनाली जो एक शॉल होती है, और गच्छांग इस तरह का, ये जो है ये ड्रेसेस वीमेन के द्वारा पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा। और हैंगरेंग वैली की अगर हम बात करें तो हैंगरेंग वैली में शर्ट को रगोया कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हमने खांपास में पढ़ा था बंजंग, हमने पढ़ा था बंजंग कमीज को कहते हैं, उसी तरह से कमीज को हैंगरेंग वैली में रगोया कहते हैं। गोलक एक वूलन शॉल होती है, और रागू एक ऑर्डनरी शर्ट होती है किन्नौर में, ठीक है, और सलूका एक वेस्ट कोट होता है, सलूका, ठीक है, आपने सुना भी होगा सलूका, और जगह भी पहनते हैं। और शिव टोपी को शिव भी कहते हैं, ठीक है, थेपांग भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं हैंगरेंग वैली में, इसे जो है जनरली हम थेपांग कहते हैं लेकिन हैंगरेंग वैली में से शिव कहते हैं। केरा, केरा एक तरह का एक रोप रस्सी होती है जिसे जो है कमर के चारों ओर बांधा जाता है। एंड ये ऑल्सो मैंने थेपांग लिखा है यहाँ पे, तो थेपांग में जो हमने, तो केरा एक तरह की शिव कैप होती है, उसे थेपांग भी कहा जाता है। और केरा इज अ टाइप ऑफ रोप होती है जो कमर के चारों ओर बांधी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रेसेस ऑफ किन्नर पीपल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन, धर्म की अगर बात करें तो जनरली हिंदुइज्म को मानते हैं, और बुद्धिज्म के जो महायान ब्रांच है उसमें ये विश्वास करते हैं, जैसे हीनयान, वज्रयान, महायान तीन ब्रांच मेन मानी जाती है, उसमें से ये महायान को भी मानते हैं। और जो जो लोग बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं बौद्ध धर्म में, तो वो जनरली जो निंगमापा, दुक्पा सेक्ट, करगुत्पा सेक्ट, गेलुक्पा सेक्ट है, तो इन सभी सेक्टों में जो है अपना वो विश्वास रखते हैं, जो हमने बात की थी फोर सेक्ट्स। गोम्पा, तो जनरली गोम्पा और जो उसे लाभरंग भी कहा जाता है, जनरली उसमें क्या होता है लामा हेड होता है, लामा के द्वारा उसे जो है ऐड किया जाता है, चलाया जाता है। तो अगर हम घरेलू देवता की अगर बात करें तो किंशु कहते हैं, और गांव में जो कॉमन देवता होते हैं उसे जो है घोरी कहा जाता है। अगर हम प्रमुख देवताओं की बात करें किन्नर्स के, किन्नर ट्राइब के, वो है महेश्वर, चंडिका माता, बद्रीनारायण देवता जो है, और डाबला देवता जो है, डाबला देवता आपके हैंगरेंग वैली में है, ठीक है। और 18 प्रमुख देवता माने जाते हैं कि जिन जो आगे जो है किसके बानासुर से उनका संबंध माना जाता है, बानासुर हिडिंबा माता से, क्योंकि बानासुर शोणितपुर में राज्य करते थे पहले, और ये बहुत चली राजा थे, और इन्हीं की बेटा बेटी उषा से जो है प्रद्युमन ने शादी की थी बानासुर, और बानासुर का ही संबंध असम में जो बॉम्बडिल है वहां से भी माना जाता है, क्योंकि असम के कामरूप के राजा इन्हें माना जाता है। तो ये सब हम ऑलरेडी बाद में जो है जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के इतिहास में से पढ़ेंगे। स्पिरिट्स में विश्वास रखते हैं, जैसे आपका कुछ बकरशुना है, बच्चिस है, चौस है, कुंच है, तो ये स्पिरिट्स भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करें, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से बहुत ज्यादा बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है इससे। तो उख्यांग, फागुली, दक्रेनी, दीवाल, लोसर, ठीक है, लोसर जो न्यू ईयर डे होता है, ठीक है, महांग, सांगो, ठीक है, खेपा, बाल एंड छोटा दीवाल, शिरकेन, कंजूर, जालमा, लामा जुल्का, इरातेंग, ठीक है, और उदवानिंग, पितांग, पूजा, छयांग, कलमा, सौरा, वैशाखांग, शिवराम, तोशिम और तोशिंग, तो ये सभी कुछ फेयर्स एंड मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं इनके द्वारा। तो गाइस देखिए बहुत वैसे बहुत टफ है इन नाम को याद रखना, बट आप इन्हें बार बार पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में मदद करिए, और इनमें से कुछ कुछ आप याद रखिए। जैसे उख्यांग है, उख्यांग इज अ वेरी फेमस एंड फ्लावर फेस्टिवल है, जैसे फुलियाच है, उख्यांग है, फागुली है, फागुली आप याद रख सकते हो, दीवाल, छोटे दीवाल, बड़ा दीवाल आप याद रख सकते हो, लोसर आप याद रख सकते हो, मांग सागो, इराटंग पूजा आप याद रखिए, पिटांग पूजा आप याद रखिए, ठीक है, वैशाखांग,
अतोशी मतोशिंग आप याद रखिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है मेंस में आपसे वो ये पूछे कि राइट डाउन यू नो सम नेम्स ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द किन्नर ट्राइब्स, तो वहां पर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश भी करनी है। कम्युनिटी काउंसिल की अगर बात करें, जैसे हम पहले ही पढ़ते आए कम्युनिटी काउंसिल, जैसे चार भाई थी आपके, जो आपके सुआंगलास थे, ठीक है, और जैसे हमने और भी पढ़ा सेना हमने पढ़ा, ठीक है। तो कम्युनिटी काउंसिल की अगर बात करें तो चार भाई आपके, चार भाई कम्युनिटी काउंसिल है किसकी, किन्नर ट्राइब की, और इसमें मुखिया होता है, ठीक है, मुखिया चर हलमादी होता है, ठीक है, चर हलमादी और तोकनिया कहते हैं उसे। टिचिक मिचिक, देखिए क्वेश्चन एक बार आया था टीचिंग मिचिंग, तो टीचिंग मिचिंग क्या है, एक तरह की एक पनिशमेंट होती है कि जब आप देवता के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई उसका वायलेशन करते हो, आप नहीं मानने से मना कर देते हो, तो उसे क्या कहते हैं, टीचिंग मिचिंग कहते हैं, जो हमें पहले भी छिपता भी पड़ चुके ऑलरेडी, ठीक है, जो एक टाइप की पनिशमेंट होती है पहले, ठीक है, यहाँ पर छिपता लिखा है मैंने, ठीक है, छिपता भी एक पनिशमेंट है कि जब कोई जो है मंदिर में आने से मना कर देता तो उसे जो है छिपता इस तरह की सजा सुनाई देती है, और खेपा भी कहते हैं इसे, खेपा ऑल्सो एक फेस्टिवल में भी आ रहा है। एल्डर्स अगर देखें तो बुजुर्ग जो वुमेन होती है तो उसे गोइने कहा जाता है, और बुजुर्ग जो आदमी होता है उसे गोर्तेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नर के व्यवसाय की, तो किन्नर्स के द्वारा जनरली ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर भी, एग्रीकल्चर खेती भी करते हैं, ये भेड़ें भी चरा, भेड़ पालन भी करते हैं, ठीक है, ये एप्पल फार्मिंग के लिए आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किन्नर इज क्वाइट फेमस, डिस्ट्रिक्ट किन्नर, डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और दीज आर द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स विच आर क्वाइट फेमस फॉर एप्पल प्रोडक्शन, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो एप्पल की है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला से होती है। बट अगर हम एक अगर क्लाइमेट के हिसाब से हम एक स्ट्रॉन्ग एप्पल की अगर बात करें तो दैट इज ऑफ किन्नर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे जो है एप्पल ग्रो होता है, और नेचुरली जो है जो भी कलर है वो नेचुरल आता है, तो इस वजह से ये सेब काफी यू नो सस्टेनेबल होता है। और शिंगमो और हाला सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिंगलो और हाला सिस्टम में क्या होता है कि जो कोली जाति के लोग होते हैं वो राजपूतों की जो जमीन पर वो कार्य करते हैं, तो आपसे अगर पूछे जाए तो हाला सिस्टम या शिंगमो सिस्टम कहाँ पर, किस ट्राइब किस ट्राइब से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा किन्नर से। जजमानी, तो जजमानी भी होती है जिसे बियाना कहते हैं यहाँ पे, जब जो है आपका और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है ये जजमानी, जिसमें जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम जो क्रॉप्स का जो शेयर होता है वो लिया जाता है। फूड हैबिट्स, ठीक है, तो फूड हैबिट्स में अगर हम बात करें तो नॉन वेजिटेरियन भी है ये, एंड ये शौकीन होते हैं छोंग, जो लोकल शराब होती है, स्थानीय शराब होती है, और स्मोकर जो टोबैको स्मोक करते हैं ये, और मेनली जो स्टेपल फूड होता है, और जैसे जनरली हमने स्मोकिंग में देखा तो हुक्का जजरी या हबल बबल उसे कहते हैं, ठीक है। स्टेपल फूड इनका जो है वो पोटैटो है, आलू है, जैसे हमने आपका जो पटन सुआंगलास का पढ़ा था तो सुआंगलास का बार्ले था, इनका कैसे, इनका बार्ले एंड पोटैटो दोनों था, तो इनका पोटैटो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब, दैट इज लाहौलास। लाहौलास की अगर हम बात करें तो एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 3500 मीटर्स है। लाहौल वैली के लोगों को लाहौलास कहा जाता है, और लाहौलास को मान ले दो रेसिस का मिक्सर माना जाता है, आपके आरेंज और सेमी आरेंज है, ठीक है, बुद्धिस्ट है, मिक्स रेस है, ठीक है, तिब्बतन भी है। कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो अपर कास्ट में जनरली राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, राठी आते हैं, और लोअर कास्ट में आपके हालीज, भोट्स, लोहार आते हैं, और ये दोनों एंडोगेमस भी है, पॉलीएंड्रस भी है, ठीक है, पॉलीएंड्रस मीन्स ये बहुपति प्रथा भी है, ठीक है, एंडोगेमस मीन्स आपस में ही शादी करते हैं। अरेंज्ड मैरिज को तबागस्टन कहा जाता है, अगर आप चुरा कर शादी करते हैं, चोरी से शादी करते हैं, उसे जो है कुमाई भगस्टन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तबागस्टन, कुमाई भगस्टन कहाँ की फॉर्म है मैरिज की, लाहौलास की, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेसेस की लाहौला की, तो ये कतार और लॉन्ग लूज तिब्बतन गाउन होता है, उसे कतार कहा जाता है, और तोबरी कुल्लू की आपको तोबरी कहा जाता है, लोकल ड्रिंक लुगड़ी होती है। एंड मैरिज सिस्टम की अगर बात करें तो एक पॉट ऑफ जो है बर्तन में छोंग लेकर जाते हैं लड़की वालों के पेरेंट्स के पास, एंड डाइवोर्स को इनके कुड़पा छर्चे कहा जाता है, ये सेरेमनी परफॉर्म किए जाते हैं कुड़पा छर्चे, ठीक है। और खोक्सर लाहौल का जो खोक्सर एरिया है, क्षेत्र है, जो खोक्सर जगह है, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, ना ही कल्टीवेशन होती है, एंड इट इज द ड्राइस्ट प्लेस इन लाहौल स्पीति का, सबसे खुश्क जो शुष्क प्लेस जगह है वो है खोक्सर। और जैसे ही आप पटन से अंदर आते हैं, लाहौल की ओर आते हैं, तो नॉट पोर्टल पर पहुंचते ही जो राइट में जो काजा की ओर रूट जाता है उसी में आगे खोक्सर आता है। एंड लाहौल वैली इज क्वाइट फेमस फॉर पोटैटो प्रोडक्शन के लिए, 1857 में एडब्ल्यू हाइड के द्वारा यहाँ पे पोटैटो कल्टीवेशन जो है शुरू किया था, और मेनली बुद्धिज्म है लाहौल वैली, लाहौल के जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं। जनरली देखे ना, जैसे हमने आपके सुआंगलास के बारे में हमने पढ़ा, तो जनरली जो लाहौलास है तो इनका सुआंगलास के साथ काफी ज्यादा मैच करता है, हर एक कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन, सब कुछ, क्योंकि एक ही वैली में है ये। फर्क है कि
आपका जैसे आपका स्वांगला जो मेनली वो पटन वैली में रहता है, जो चंद्रायन बागा नदी के आगे के द्वारा जो है तांडी से आगे बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट इसी सब पार्ट में हम गुजर्स कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट आगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।